जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। आखिर किस्मत शान और अस्मिता के किन पन्नों को पलटकर उनके रिश्ते का नया पड़ाव लिखने वाली है? क्या अस्मिता किस्मत को हराकर अपने शान के पास पहुंच पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। तार खानदान के बड़े पोते के साथ गंदी गलियों के लोगों का इलाज नहीं होगा, इसका इलाज यहाँ। इस बार वो पिद्दी किसी भी हाल में बचनी नहीं चाहिए। एड्रेस याद कर, अनामी संघ काली घाट, खत्म। जी मैडम। चाचू, क्या शान निवेदिता को दिए हुए वादे को तोड़कर अस्मिता को वापस अपनी जिंदगी में ला पाएगा या नहीं? आप सही कह रहे चाचू, मैं अपने कुछ की को वापस लाऊंगा, लाऊंगा मैं उसे वापस। जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। किस्मत छीन रही है अस्मिता से उसका हर एक सुख। ऐसी हालत में क्या शान दे पाएगा उसका साथ? क्या होगा अस्मिता का अगला मुकाम? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। मैं आ रहा हूं कुछ की। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये क्या शान और अस्मिता अपनी किस्मत से लड़कर एक हो पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। कुछ की। इतनी विन्नतों बाद आई दो हंसों के मिलने की बेला। क्या ये अधूरी प्यार की दास्तां पूरी होगी या फिर लग जाएगी किसी की बुरी नजर? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। क्या अस्मिता और शान की तकदीर में उनका साथ यहीं तक मुकब्बिल था या फिर है किसी अनोखी दास्तान का आगाज? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। कैसे तुम्हें बुला पाऊं शांतनु? एक और जहां अस्मिता और शान होने जा रहे हैं एक साथ, वहीं दूसरी ओर हृदय अस्मिता के लिए जान देने के लिए है तैयार। क्या होगा इस अजीब दास्तान का मोड़? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। फैसला लिया है मैंने कि जब तक शान अपने मौजूदा होने का फर्ज निभाता रहेगा, तब तक मैं उसकी कभी नहीं हो सकती। चंदा मां के लिए उन बदनाम गलियों में वापस लौटना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अपनी कस्मों को तोड़कर अस्मिता लौट चुकी है फिर से उन बदनाम गलियों में। कैसे करेगी वो सामना समाज का? क्या होगा जब वो टकराएगी शान से? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां। अब आप अस्मिता को इस घर में वापस लाइए, हमारे हृदय की छोटी बहू के नाते इस घर में वापस लाइए। अस्मिता इस घर में छोटी बहू के हैसियत से नहीं आएगी। वो मेरी बचपन की दोस्त है और मेरा प्यार भी, और मैं उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ।
हमें यहाँ से निकल चलना है, बस बहुत हो गया। पर ये डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकता, इसमें पुचकी की भी जिंदगी का सवाल है, उससे भी बात करनी होगी। चलो अस्मिता, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। नहीं, तू कहीं नहीं ले जाएगा मेरी बच्ची को। पर माँ, मैं तो पुचकी के लिए एक नई जिंदगी चाहता हूँ, जिसमें उसे मान मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, घर हो, जो उसे बदनामी और जिल्लत से महफूज रखे। अच्छा, तो तू अपने हृदय के लिए भीख मांगने ऐसे? भगवान बुरा ना बुलवाए, कसम से, पर आज सोचती हूँ, परसों पहले हृदय मेरे हाथों गिर के मर गया होता ना तो अच्छा था। माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता भी है कि वो बेचारे इस वक्त किस हालत में? Exactly. उसकी हालत देखकर उस पर तरस खाकर तुम फिर से चले आए अपनी प्यार की बलि देने, है ना? वही इमोशनल अत्याचार, वही सोच, वही एहसानों का बोझ, वही गिल्ट मजबूर कर रखा होगा ना तुम्हारी नीवी माँ ने तुम्हें, है ना? नहीं नहीं, तुम मेरी बात सुनो। ऐसा इसे जन्म मैंने दिया, पर उस औरत ने तुझे डरपोक बेगैरत बना के पाला है, जो एक खुद का फैसला तक नहीं ले सकता। प्लीज, आप मम्मा के बारे में कुछ मत कहिए। क्यों क्यों ना बोलूं? डरती हूं क्या मैं उससे? अरे, तुझ में तेरा कुछ वजूद है कि नहीं है? बड़ी माँ, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब है। आप प्लीज शांत हो जाइए। बचपन से तुझे उसने कठपुतली की तरह नचा दिया रही, और तू नाचता रहा। बचपन में तूने इसे छोड़ा था ना, और आज फिर वही गलती दोहरा रहा है। ये सब साथ की झड़ना वो निवेदिता है, मार डालूंगी उसे, खत्म कर दूंगी, ताकि वो मेरे बच्चों के आस पास तक न भटक सके। मार डालूंगी मैं उसे। बड़ी माँ, बड़ी माँ, देशमुख परिवार की एक गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका इल्जाम उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपने सर ले लिया। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि उस एक्सीडेंट का असल जिम्मेदार आदमी कौन है। केशव के एक्सीडेंट में जिस इंसान की मौत हुई थी, उसकी मैं फोटो डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर मल्हार को कार एक्सीडेंट की सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। तब वेदांत को भी ये बात समझनी होगी कि जिस परिवार को वो अपना कहते हैं, उन्हें बस वेदांत की जरूरत है, परवाह नहीं। वेदांत को यहां से लेकर ही जाना होगा। पंडित जी आएंगे और फिर मेरी ये पत्थर किसने फेंका है? मारो पत्थर उसको।
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। जाने से पहले हमारी साड़ी पहनने का कारण तो पूछती जाइए। मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनी पत्नी मानने को तैयार हूँ बेटा। और आज खुद वो अपने हाथों से हमें मंगलसूत्र भी पहनाने वाले हैं दुर्गा जी। की मौत के बाद संभल जाएगा अग्रवाल परिवार या अंदेशा है ये किसी नए तूफान के आने का। साहिल, कोई मिसेस अस्ताना नाम की औरत है, उन्होंने सारा बैंक का लोन चुकाने के बाद सारी संपत्ति पर अधिकार पा लिया है। आप ही की वजह से हुआ है। प्लीज मत बुलाना मुझे इस नाम से। क्या बचा पाएगी वेदिका पिता और बेटी के रिश्ते की डोर को टूटने से? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से। आप पे बहुत अच्छा लगेगा, देखिए जूते भी मैच करते। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है, खाना खाओ अपनी पसंद का पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद। हाँ, क्योंकि आप अपने कपड़े नहीं देख सकते ना, दूसरे देखते हैं। आप जो पहनो वो कंफर्टेबल तो होना चाहिए पर दूसरों को अच्छा भी लगना चाहिए। प्रज्ञा, कुंवर रानी साहब ये लीजिए, होली का जलाकर होली की शुरुआत कीजिए। आइए दादी माँ, पूजा शुरू करते हैं। रुकिए रानी माँ। माफ कीजिए रानी माँ, लेकिन आप ये पूजा नहीं कर सकती।